हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने जा रही हूँ और ये है JNU के एडमिशन के बारे में। बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट आ रहा था कि हम JNU से किस किस कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर देती हूँ कि JNU एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आप बहुत लिमिटेड UG कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये बेसिकली PG एंड PhD के लिए है। ये स्पेसिफाइड है किस चीज़ के लिए, तो PG एंड PhD। PG में भी अगर MSc की बात आप करोगे तो मैं आज इसी वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप किस किस कोर्सेज से MSc कर सकते हो JNU से। इसके अलावा मैं ये क्लियर कर देती हूँ कि BSc की कोई भी कोर्स यहाँ पे नहीं होती है। ये एकदम दिमाग में क्लियर रखिए। अभी तक मैंने बहुत सारे सोर्सेज से ये देखे भी हैं और हमारे कुछ फ्रेंड्स वहाँ पे पढ़ते भी हैं, उन्होंने भी बताया है कि वहाँ पे UG कोर्सेज नहीं होते हैं, यानी कि आप वहाँ से BSc नहीं कर सकते हो। आप कहीं से भी BSc करो, उसके बाद आप MSc के कुछ यहाँ पे कोर्सेज हैं जिसके लिए अप्लाई कर सकते हो। हाँ, जो BA है, मैंने BSc की बात कही कि BSc आप JNU से नहीं कर सकते हो, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि आप BA नहीं कर सकते हो। आप BA कर सकते हो। BA के कुछ कोर्सेज हैं, स्पेसिफाइड हैं, लैंग्वेज की कोर्सेज हैं। टोटल 10 लैंग्वेजेज हैं जिसकी पढ़ाई वहाँ पे होती है और वो भी फॉरेन लैंग्वेज हैं। उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो हमें कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि कौन कौन से लैंग्वेज की कोर्सेज हैं जिसमें आप BA कर सकते हो। टोटल 10 ऐसे कोर्सेज हैं फॉरेन लैंग्वेज के जिससे आप वहाँ पे BA कर सकते हो। इसके अलावा और कोई UG कोर्सेज JNU में अवेलेबल नहीं है। अब देख लेते हैं कि MSc आप कहाँ कहाँ से कर सकते हो। तो MSc आप JNU में लाइफ साइंस से कर सकते हो। लाइफ साइंस में यहाँ पे टोटल 38 सीट्स हैं, तो लाइफ साइंस एक काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है और यहाँ से आप MSc कर सकते हो। दूसरा है इन्वायरमेंटल साइंस, इसकी टोटल 31 सीट्स हैं। फिजिकल साइंस, अब देखो फिजिकल साइंस में दो चीज़ें आती हैं, एक तो आता है एनालिटिकल केमिस्ट्री और दूसरा है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। एनालिटिकल एंड इंडस्ट्रियल, एनालिटिकल एंड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ये दो पार्ट हैं फिजिकल साइंस के जिसकी पढ़ाई यहाँ पे होती है, जिससे आप यहाँ पे MSc कर सकते हो। तो जो लोग भी एनालिटिकल केमिस्ट्री या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से MSc करना चाहते हैं वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं JNU MSc कोर्सेज में फिजिकल साइंस के लिए। दूसरा है कंप्यूटेशनल एंड इंटीग्रेटिव साइंस, इसमें टोटल 40 सीट्स हैं और ये कंप्यूटेशनल एंड इंटीग्रेटिव साइंस है, मतलब कंप्यूटर साइंस है और उसके साथ साथ और भी काफ़ी अप्लाइड साइंस जो भी हैं उनकी स्टडीज यहाँ पे होती है MSc कोर्सेज के लिए। उसके बाद है मॉलिकुलर मेडिसिन, मॉलिकुलर मेडिसिन में टोटल 50 सीट्स हैं और यहाँ से आप कर सकते हो MSc की कोर्सेज। मॉलिकुलर मेडिसिन में बेसिकली आ जाती हैं चीज़ें जूलॉजी के कुछ पार्ट्स, जैसे जेनेटिक्स हो गया, इन्फॉर्मेटिक्स हो गया या माइक्रोबायोलॉजी हो गया। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप मॉलिकुलर मेडिसिन में माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स या सेल बायोलॉजी, इसके बारे में यहाँ पे MSc कर सकते हो। मतलब इन सब सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट ग्रुप से आप कर सकते हो और इसकी टोटल 50 सीट्स हैं। इसके अलावा फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी है। अभी मैंने आपको बताया केमिस्ट्री यहाँ पे आ जाता है कहाँ, फिजिकल साइंस में। JNU में स्पेसिफाइड 5 ही ऐसे सेक्शंस हैं जो MSc कोर्स प्रोवाइड करते हैं और ये सेक्शंस मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, लाइफ साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, फिजिकल साइंस, कंप्यूटेशनल एंड इंटीग्रेटिव साइंस एंड मॉलिकुलर मेडिसिन। ये 5 ग्रुप हैं और इसी ग्रुप के अंदर ये सब्जेक्ट्स भी आ जाते हैं जिसमें बायोटेक्नोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया और माइक्रोबायोलॉजी हो गया या बायोटेक्नोलॉजी हो गया। ठीक है, तो ये इतने ही सब्जेक्ट्स हैं जिससे आप MSc कर सकते हो। इसके अलावा MA के बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप MA भी बहुत अलग अलग कोर्सेज से कर सकते हो। अगर आपको MA के लिए वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि JNU में आप किस किस कोर्स में MA कर सकते हो। ये टोटल MSc की बातें थी। MSc आप इसमें कहाँ कहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा आप PhD कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे BSc आप नहीं कर सकते हो। BSc के लिए आप अलग यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हो, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि BHU। तो इन सब कोर्सेज को ध्यान में रखिएगा और अगर आप चाहते हो कि JNU से पढ़े तो आप इन सब कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हो।
हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी भी तरह की जानकारी अगर आपको चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे आपको सारे अपडेट्स देते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।